वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम कैसे इंस्टॉल करें जो कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है रेडमी नोट 8 प्रो और यहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन मिल जाता है 12.5.5.0, एंड्रॉयड 11 मिल जाता है। और यहाँ पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि ऑक्टोविक OS वर्जन 3.0 यहाँ पे एंड्रॉयड 12 रॉम कैसे इंस्टॉल करें। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना है जो कि MIUI वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है, उसके बाद बैक आना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आपको डेवलपर्स ऑप्शंस पे जाना है जो कि देख सकते हो OEM अनलॉकिंग जो कि बूटलोडर इज ऑलरेडी अनलॉक जो कि मेरे डिवाइस का यहाँ पे बूटलोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे आप कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो फर्स्ट अपने डिवाइस का आपको यहाँ पे बूटलोडर अनलॉक कर लेना होगा। और बूटलोडर कैसे अनलॉक करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके डिवाइस का बूटलोडर अनलॉक है तो बेशक आप यहाँ पे ऑक्टोविक OS वर्जन 3.0 को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस का यहाँ पे सिंपल PC से कनेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे सिंपल फाइल ट्रांसफर चूज कर लेना है और आपको यहाँ पे आना होगा PC में। PC में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल, उसके बाद TWRP, उसके बाद ऑक्टोविक OS वर्जन 3.0 और GApps 16 आपको यहाँ पे फाइल डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद मैजिस मैनेजर ZIP, मैजिस मैनेजर APK, रूट चेकर APK, यहाँ पे तीनों रूट के लिए यूज़ होता है, एक कस्टम रॉम, एक कस्टम TWRP, एक प्लेटफॉर्म टूल, एक कमांड के लिए यूज़ होता है। तो ये चारों फाइल को कॉपी कर लेना है और अपने इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर लेना होगा जो कि देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो चुका है जो कि यहाँ पे चारों फाइल। उसके बाद डिवाइस में आना है, डिवाइस में आने के बाद पावर प्लस वॉल्यूम डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो सिंपल आपको यहाँ पे पावर प्लस वॉल्यूम डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है जो कि देख सकते हो डिवाइस आ चुका है फास्ट बूट मोड में। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आना है PC में। PC में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है जो कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। ये फोल्डर को ओपन करना है, ये फोल्डर को भी ओपन करना है और यहाँ पे जो फाइल का बात है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है जो कि यहाँ पे फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर कर लेना होगा जो कि देख सकते हो एक रैंडम नंबर, उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल बेलियम जो कि यहाँ पे बेगोनिया रिकवरी प्रोजेक्ट वर्जन 3.5 और यहाँ पे जो वर्जन 3.0 है ये जो है वर्जन MIUI 12.5 के लिए एंड्रॉयड 11 के लिए अवेलेबल है जो कि एंड्रॉयड 11 आपके डिवाइस में है MIUI के साथ। तो यहाँ पे बेशक आप ये वर्जन को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके डिवाइस में एंड्रॉयड 10 है जो कि MIUI वर्जन के साथ एंड्रॉयड 10 है तो वर्जन 2.7 आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना होगा। इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है जो कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, ये फोल्डर को ओपन करना है। इसके अंदर देख सकते हो जो कि यहाँ पे MIUI एंड्रॉयड 11, तो MIUI एंड्रॉयड 11 के लिए ए TWRP है। तो ध्यान रखना है जो कि आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 11 है तो ही यह यूज़ कर लेना है, एंड्रॉयड 10 है तो यहाँ पे वर्जन 2.7 का आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो रिकवरी फॉर जो कि यहाँ पे MIUI 12.5 एंड्रॉयड 11 और यहाँ पे फ्लैश होने के बाद आपके डिवाइस में यहाँ पे TWRP ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा और यहाँ पे जो PC का वर्क यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, सिंपल आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना होगा। डिवाइस में आना है जो कि देख सकते हो TWRP बूट हो चुका है, तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि देख सकते हो TWRP बूट हो रहा है। होम प्रेस करना है आपको, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है जो कि यहाँ पे सभी फाइल्स को, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे सभी फाइल कॉपी हो चुका है। उसके बाद वाइप में जाना है, एडवांस वाइप, डेलवेक सिस्टम, वेंडर डेटा, कैश, आपको यहाँ पे वाइप कर देना है। होम प्रेस करना है, इंस्टॉल में जाना है, आपको यहाँ पे ऑक्टोविक OS को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना होगा जो कि देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टॉल होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो रॉम फ्लैश हो चुका है, उसके बाद बैक आना है। अगर आपको यहाँ पे रूट करना है जो कि यहाँ पे ऑक्टोविक OS के साथ, तो बेशक आपको यहाँ पे मैजिस मैनेजर ZIP को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा जो कि देख सकते हो मैजिस मैनेजर ZIP यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टॉल होने तक वेट कर लेना होगा। उसके बाद होम प्रेस करना है, रीबूट आपको यहाँ पे रिकवरी चूज कर लेना होगा। एक बार आपको यहाँ पे रिकवरी में बूट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा वाइप करना होगा। स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन, वाइप फॉर्मेट डेटा यस कर लेना है जो कि आपका डेटा यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि डिवाइस बूट होने तक।
तो यहाँ पे देख सकते हो वेलकम टू योर पिक्सल, जो कि यहाँ पे डिवाइस बूट हो चुका है। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो जो कि ऑक्टोविक ओएस को। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और यहाँ पे ये जो वीडियो है एक इंस्टॉलेशन वीडियो है, इसके बाद एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो मिल जाएगा जो कि यहाँ पे सून। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।